أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कैसे हम सब लोग अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खैर के काम ले और शर से बचाए. तो आज ऐसा है कि मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी पुलाव. इट्स माई पर्सनल रेसिपी. और इतनी गर्मी में जब बिल्कुल दिल ना चाह रहा हो बिरयानी बनाने का और बच्चे मांग रहे हो कि बिरयानी चाहिए बिरयानी चाहिए, तो फिर ये तरीका मैं करती हूँ. मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है. ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था मैं टमाटर हमेशा जो है वो पेस्ट बना के यूज़ करती हूँ, ठीक है. और ये मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है. यहाँ पे मैंने जो है वो ऑलमोस्ट 3 ऑनियन हैं जो मैंने कट करके रखे हुए हैं. ये 3 पाव जो है वो मैंने चिकन लिया है. और ये कप मैंने इसलिए रखा कि इस ये 2 कप जो है वो मैंने राइस जो है वो साफ़ करके उनको वॉश करके भिगो के रखा हुआ है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अजान है तो मैं क्वाइट रहूँगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऑनियन जो है वो फ्राई हो रहा है और इधर जो है मैं इसका मसाला रेडी करने लगी हूँ. अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ जॉकर. ये मैं इसमें डाल के मैंने रखी हुई थी और मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो बिरयानी मसाला ऐड करूँगी. मैं घर के मसाले से भी बनाती हूँ और कभी कभी जब थोड़ा चटखारे का दिल हो तो फिर मैं यूज़ करती हूँ. अच्छा, मैं इसमें जो है एक तो छोटी इलायची निकाल दूँगी बिकॉज आई डोंट लाइक इन बिरयानी छोटी इलायची. सालन और उसमें बिरयानी में राइस वगैरह में मुझे छोटी इलायची बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे सिर्फ स्वीट डिशेज में अच्छी लगती है. अच्छा, मैं सारा यूज़ नहीं करूँगी, मैं सारा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि जो है वो मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, तो मैं इसको हाफ यूज़ करूँगी, ठीक है. इसको जो है वो मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी. आई नीड सम वाटर. इसमें जो है मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है. इसको फिर ऐड करके अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लूँगी, ठीक है. इसको मैं जो है वो थोड़ा सा और पतला कर रही हूँ. अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ, मेरी भी कोशिश होती है कि चिकन मैं मतलब यूज़ कर रही हूँ जब, तो उसको मैं जो है सबसे पहले सिरके से वॉश करती हूँ अच्छी तरह से, तो वो तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है. हल्का सा नमक भी लगा सकते हैं उसको अच्छी तरह. और दूसरा मेरा ये एक टिप है कि मैं कोशिश करती हूँ कि बोटियों को मसाला लगा के रखती हूँ जब बनाऊँ, या फिर बिरयानी या फिर कोई भी मैं चिकन का सालन या लाइक कौरमा टाइप बना रही हूँ, तो उससे क्या होता है कि मसाले का टेस्ट अच्छी तरह से बोटियों में चला जाता है, तो फिर जो वो टेस्ट आता है ना वो अलग होता है. आप वैसे जितना मर्ज़ी भूनें वो एक अलग टेस्ट है. ऐसे आप बोटी खाते हो तो लगता है पता नहीं ब्रोस्ट है या रोस्ट किया हुआ, वो बिल्कुल उसमें ऐसा टेस्ट चला जाता है. मुझे मतलब ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है. और फिर जो है ना बच्चे बड़ा खुश होकर वो खा रहे होते हैं बोटी को, क्योंकि वो बिल्कुल भी ना ऐसे अभी की सी और ऐसी नहीं लग रही होती, वो बाकायदा जो है वो गोश्त में उसका टेस्ट जा चुका होता है, जज़ब हो चुका होता है. तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं लगा के रख दूँ, फिर उसको मैं जो है वो जो विंटर हो तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ, समर हो तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ जब तक, ठीक है. तो इसको मैं अच्छी तरह इस मिक्स कर दूँगी इतना कि मतलब जो है वो बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाए अंदर. और मैं इसको फोर्क के साथ करूँगी ताकि बिल्कुल वो जो है ना उसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है.
मैं ऑनियन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, लाइट पिंक सा हुआ है तो मैं फिर इसमें डाल देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। मैं इसमें डालने जा रही हूँ अदरक का पेस्ट। आज मैं थोड़ी सी टेस्ट कर दूँगी, थोड़ी देर बाद ही मैं इसमें जो है वो चिकन डाल दूँगी ताकि वो जो है वो टमाटर के पानी में ही वो गल जाए इजीली। ठीक है, चलिए मैं अब इसमें डाल रही हूँ चिकन। इसमें मैं ये सारा मसाला भी स्पून से इसमें डाल दूँगी। इसमें डाल दिया, अब मैं जो है इसको चला के चम्मच, इसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी दरमियानी आँच पे, ढक दूँगी और फिर जो है मैं बाद में इसको भूनूंगी। ठीक है, मैं किचन से निकल जाऊंगी इसको ढक के, गर्मी बहुत है। बस यही आजकल ऐसी रेसिपीज ट्राई करें कि आपको चूल्हे पे जो है वो कम खड़ा होना पड़े। और फिर मैं निकल किचन से बाहर और मैं इसको आफ्टर जो है वो 10 मिनट्स बाद देखूंगी। ठीक है, फिर मैं तकरीबन 15 से 17 मिनट बाद, ऑलमोस्ट 15 से 17 मिनट्स बाद आई हैव कम बैक एंड यू कैन सी माशाल्लाह। देखें कि मतलब वो कहीं नीचे नहीं लगा, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, मैं बिल्कुल क्या कहते हैं उसको आराम से जो है वो किचन लेफ्ट करके जा चुकी थी। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि समर में प्लीज़ ऐसी रेसिपीज़ करें, क्योंकि एक तो लोड शेडिंग का इशू, दूसरा ये कि इतनी कोई गर्मी है, इतने पसीने हैं, ह्यूमिडिटी लेवल हर एक का जो है वो वीक हो रहा है। तो कम से कम टाइम जो है वो किचन में स्पेंड करें और क्विक और इजी रेसिपीज़ ट्राई करें। आप टेस्टी रेसिपी भी बना सकती हैं शॉर्ट टाइम में। तो ये अभी जो है इसको अभी भी मैं नहीं भूनूंगी, अभी ये थोड़ा और पकेगा। अभी मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए लेफ्ट कर रही हूँ अगेन ऊपर ढक्कन देके, और फिर अभी ये और पकेगा फिर मैं इसको भूनूंगी। ठीक है, ठीक है जी, तो हो गए हैं 5 to 7 मिनट्स। तो मैं देखने आई हूँ, ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल सही है। आप स्टीम देखे हो रही है, आप इसको आराम से छोड़ के जा सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आप इसमें जो है यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा जो है वो ग्रीन चिलीज और मैं वो ऐड कर दूँगी इसमें थोड़ा। ठीक है, ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ मैं जो है, मुझे मैं इसको ऐसे मैं इसमें 3 जो है वो ऐसे कटिंग करके डालूंगी और 3 जो है वो मैं बाद में इसमें साबुत डालूंगी। ठीक है, इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, भूनते हुए, क्योंकि उस वक्त जो खुशबू आती है ना वो देर तक रहती है। इसमें ऐड कर दूँगी, अब मैं इसको भून लेती हूँ। इसमें हरा धनिया ऐड कर देती हूँ, हरा धनिया बहुत वो हो रहा है तो मैं इसको फिर थोड़ा फ्राई करके सेव कर लेती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में डेली बेसिस पे बाहर से चीज़ लेके आना ख़तरे से खाली नहीं है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तो मैं चाहती हूँ कि बाहर के चक्कर मैं भी और आप लोग सब हम कम लगाएँ, ऐसे करें कि चीज़ें जो है सेव कर लें घर में। ठीक है, अब जो है मैं इसको भूनूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, इसको आपने तब तक भूनना है जब बिल्कुल ये ऑयल ना छोड़ दे, ये ऑयल छोड़ने लगे हैं। इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो है वो एक इसका इस तरह से टेस्ट भी अच्छा बनेगा और कच्चेपन की स्मेल नहीं आती। ठीक है, मेरा ऑलमोस्ट जो है वो हो ही गया है। अब मैं जो है पानी ले आती हूँ ऐड करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसमें पानी ऐड करने जा रही हूँ। इसी ये कप मैंने आपको शो किया था जब राइस का मैंने नाप किया था। ठीक है,
तो मैंने ये 2 कप्स थे तो मैंने ये 4 नहीं डालूंगी, मैं 3 1/2 डालूंगी। ठीक है, जो है मैं बगैर ढके हुए इसको पानी को बॉयल आने दूंगी। ठीक है, जैसे बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें राइस ऐड करूंगी। पानी बॉयल हो गया, अब मैं इसमें जो है वो ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और अब मैं इसमें राइस डालूंगी। मैं इसमें राइस ऐड कर दिए, राइस का पानी निकाल के। ठीक है, फिलहाल मैं ढक्कन इसके ऊपर नहीं दूंगी। ठीक है, आंच मैं तेज कर रही हूँ। अब देखें ये पकना शुरू हो गया। मैं इसमें नमक चेक करके मैं देखूंगी, अगर ज़रूरत होगी तो मैं नमक अब ऐड कर दूंगी इसमें। ठीक है, मैं सैलड के लिए ऑनियन काटें, अब मैं इनको जो है अच्छी तरह नमक लगा के मैं सन दूंगी इस तरह से। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बताऊँ कि मैं जो है ना ग्लव्स यूज़ नहीं करती कुकिंग के दौरान ना, मैं अपने हाथ यूज़ करती हूँ। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं हाथ, ग्लव्स से चढ़ा के भी हम अपने हैंड यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम वो होते जा रहे हैं ना, मतलब जरासीम से वो, उतना ज़्यादा हम बीमारियों का शिकार है। मैं देखती हूँ उन बच्चों को जो मिट्टी में खेल कूद रहे होते हैं, अब आपको पता है स्पेशली लोग अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए बोलते हैं कि इस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा होता है। तो मतलब पहले वक्त में इतनी इस तरह की चीज़ें नहीं थी, अब बीमारियाँ बढ़ गई जितनी ज़्यादा वो है कि हम वो कर रहे होते हैं, हाँ इसको नहीं टच करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ सफाई हमारा दीन है, सुन्नत है, करनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं यार। ठीक है, इसको मैंने लगा के छोड़ दिया, अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। ठीक है, खीरे को मैंने वॉश करके इधर रखा हुआ है, अब इसको मैं कटर से काट रही हूँ। देखिए पानी जब के इतना रह गया है तो अब मैं इसके ऊपर जो है वो कैप रखूँगी, कितने आँच से बोलने करूँगी। ठीक है, यहाँ मैंने जो है ऑनियन फ्राई के लिए रख दिया जो मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। देखिए इस पोजीशन में आ गए, और अब मैं इसको दूंगी दम, इसमें मैं करूँगी ऐड। ये देखिए मैंने जर्दा कलर जो है वो मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, अब वो मैं जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये कम है तो मैं इसमें दो पोर्शन में डाला, दो पोर्शन में मैं और डालूँगी, मैं थोड़ा और ऐड करती हूँ। अब ये जो ये वाला कलर जो है ये जो मैं इस तरीके से दूंगी ताकि ये इस जगह पे डार्क आए, इसको मैं स्पून ऐसे करके यू स्पून नीचे तक जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक घुसा दूँगी। ठीक है, ये देखिए ये किया, इसको मैं नीचे तक ताकि इस जगह पे थोड़ा डार्क आए। तो चम्मच से लगा हुआ है वो साइडों पर ऐसे लगा दूँ। ठीक है, मैंने लगा दिया, अब जो है मैं आँच हल्की करके अब मैं इसको एटलीस्ट मैं इसको 5 to 7 मिनट दम दूँगी सिर्फ। ठीक है, उसके बाद करूँगी डिश आउट, आज चले डिश आउट भी कर दूँगी आपके लिए, क्या याद करेंगे। चले जी, हमारी पुलाव बिरयानी रेडी होगी। ठीक है, और ये है उसका फाइनल टच, डिश आउट कर दिया, और सैलड और होममेड केक और मैंगो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।